आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर, हमको तो कोई प्रेशर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो आज हम पहले शुरू करते हैं जिसे आप सियासी गेंडे के नाम से बुलाते हैं। ये हमारा घटिया पत्रकार सुरेश चौहान के पिछले दिनों अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चाल चल रहा था और ये गेंडा हल्दीराम के पीछे पड़ गया। इस वीडियो में देखें कि असल में जिसे ये उर्दू कह रहा था वो अरबी भाषा है और उस भाषा में दरअसल लिखा क्या हुआ है उसके बारे में विस्तार में सुने। हम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? दुनिया के इस सबसे बड़े सवाल के बाद अब भारत में नया सवाल आ गया है, या यूं कहिए कि पैदा कर दिया गया है, कि हल्दीराम ने अपने पैकेट पर उर्दू में क्या लिखा है। तो भैया, पहली बात तो ये है कि हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू में नहीं बल्कि अरबी भाषा में लिखा है। और जो भाई साहब उर्दू वाली बात फैला रहे हैं उनको बता दीजिएगा कि ये अरबी में लिखा हुआ है। दूसरी बात, भाषा का उद्देश्य होता है कम्युनिकेट करना, इसलिए एक बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। वही काम हल्दीराम वालों ने किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हल्दीराम ने अरबी भाषा में अपने पैकेट पर लिखा क्या है। तो ये रहा आपका हल्दीराम का पैकेट, इसके पीछे अरबी में कुछ लिखा हुआ है। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं लिखा क्या है। पहली लाइन में लिखा है, हुलवतुल खलीती मिनल फौली सौदानी वल बताता बिततवाबुल खफीफा। मतलब हुआ, इसमें मूंगफली और आलू का मीठा मिश्रण है हल्के से मसालों के साथ। अगली लाइन में थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, अल मुकव्विनात मतलब इंग्रेडिएंट्स, उसमें लिखा है अल फौलुस सौदानी 50% यानी मूंगफली 50%, उसके बाद लिखा है वल बताता 20% यानी आलू 20%, उसके बाद लिखा है वज़ुयूतुन नबातिया यानी वेजिटेबल ऑयल्स, ब्रैकेट में लिखा है बामुलीन यानी पाल्मोलिन ऑयल, उसके बाद लिखा है वमस्कूक सुकरी 6% यानी चीनी पाउडर 6%, उसके बाद अगली लाइन में लिखा है वलमिलहू वमस्कूक फुलफुलिल अस्वदी वफिनीलू वाउराकुल सारी। मतलब वलमिलहू यानी नमक, वमस्कूक फुलफुलिल अस्वदी यानी काली मिर्च पाउडर, वफिनील यानी सौंफ, वाउराकुल कारी यानी करी पत्ता। अगली लाइन में लिखा है यह तभी हाजल मंतिजू अलल फौलिल सौदानी यानी इस पूरे मिश्रण के अंदर मूंगफलियां हैं। आखिरी लाइन है सुनिया फिल हिंद यानी मेड इन इंडिया। तो आइए, आपके लिए हम लेके आए हैं गोदी मीडिया की बेइज्जती का बम्पर धमाका पैकेज, जहां हम अलग अलग चाटुकारों की अलग अलग नेताओं से धज्जियां उड़ती हुई देखेंगे। तो अपनी कमर की पेटी कसकर बांध लीजिए और लुत्फ उठाइए इस वीडियो का। सुननी तो बुलाए मत करो, दलाल भड़वे की तरह बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूँ, अगर आप इन शब्दों पर खेत जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेत नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। बिल्कुल भी आपके प्रति जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोलिए, बताइए क्या है आपके पास, खुशी का पैमाना क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है, उस औरत का आपका क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है, पूछते क्यों नहीं आप? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मेरा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर नंदीग्राम के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि पिछले 5 या 10 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, नंदीग्राम में बदलाव हुए हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, किसानी, कौन मानते हैं अभी विकास नहीं हुआ है, बदलाव होना चाहिए? राज ठाकरे देशद्रोही है,
एक मिनट, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी बातें करते रहेंगे, बिना सोचे बिना समझे आपके मुंह में जो आए आप बोलते जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर ये इस तरह की आप हिंदी चैनल वाले अगर हरकतें करते रहेंगे तो उनके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए मैं पुलिस के पास जाऊंगा या उनको कंप्लेंट करूंगा, लेकिन ये जब तक सुधरेंगे नहीं, ये जब तक इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है, क्यों देते हैं आप? बिल्कुल कंट्रोल कंट्रोल उदय, धमकी देने दे, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? गजब बेइज्जती है, क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन राज, तुम राज, तुम तो टीआरपी हो हमारे लिए, टीआरपी हो, यानी आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना, नहीं तो मैं तो देख लूंगा। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? मुझे लग रहा है ओवैसी साहब, दरअसल दिक्कत इस बात की है आपको, क्योंकि मोदी सरकार इसको लेकर आई है। मैं फिर आपसे कहूंगी, मोदी जी लेकर आए हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत? अरे इतना मोहब्बत क्यों है मोदी से आप लोगों को? अरे छोड़िए ना, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आज निकल सब जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर, हमको तो कोई प्रेशर नहीं है। मैडम, मैं कुछ बोलता हूँ मोदी के बारे में, आप तकलीफ हो जाती है। नहीं, तो आप कहते हैं कि हम किराएदार नहीं है? हाँ मैडम, हम यहाँ पर हकदार हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में मुझे बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसमें बुरी बात क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है राइट टू इक्वालिटी। नहीं नहीं, अब राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा हूं, डरा कौन रहा है? के रूबी का लियाकत आपके रहमोकरम पर, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आपके रहमोकरम पर, रहमोकरम पर है, आपके रहमोकरम पर नौकरी कर रही है, उनमें उनमें कुछ काबिलियत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आपको लगता है कि मैं बाकी मुसलमानों की तरह है कि असद ओवैसी भाषण देंगे कि रूबी का लियाकत आपके रहमोकरम पर और मैं डर जाऊंगी? मैडम, आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे? क्यों? आप सवाल करेंगे? क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। ये नहीं हो सकता। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बोलिए आप। शायद नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाए राज्यसभा का टिकट। पैसा ही पैसा होगा। ये क्या बात हुई, आप सुनने तैयार ही नहीं है, आप अपने आप बोले। अगर आप एक 25 सेकंड के लिए खामोश बैठेंगे तो मेरा जवाब सुनेंगे। सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, क्या करेंगे सर? आपकी बातचीत हो रही है सरकार से? ये गोदाम किसके बन गए? कौन से गोदाम? बड़े बड़े गोदाम हरियाणा में, वहां पर बन रहे हैं। तो अगले क्लिप में हम देखेंगे कि किस कदर बीजेपी प्रवक्ता की बखियां उधेड़ कर रख दी न्यूज 24 के संदीप चौधरी ने। जब संदीप चौधरी ने बढ़ती महंगाई का प्रश्न पूछा तो कैसे बातें घुमाने का प्रयास कर रहे थे ये बीजेपी प्रवक्ता, पर इन्हें ये नहीं पता था कि सामने अंजना दीदी या तिहाड़ी सुधीर नहीं बल्कि असली पत्रकार बैठे हैं। अपर सर्किट है, कोई अपर लिमिट है? पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को एक बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आज 100 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन का हमने एक बड़ा माइलस्टोन पार किया है और यह कोरोना वॉरियर्स और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से की एक मिसाल है। और दूसरा प्रश्न अपोजिशन के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक वैक्सीन हेजिटेंसी क्या हुई, आप लोगों ने भी लगवा लिया कि नहीं? कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के जो लोग चिंता कर रहे थे तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया। एक महंगाई का टीका भी तो लग रहा है, उस पर भी तो बताइए, पेट्रोल डीजल बड़ा पड़ा है उस टीके में। हाँ, अब मैं बताता हूँ दूसरी बात। आपने अभी एक कैंपेन की बात की, एक्साइज घटाओ, वैट घटाओ, क्यों नहीं कह रहे आप? संदीप जी, आप बताओ। दोनों चीजें मैंने बोली दिनों। अच्छा, सब कुछ राज्य करेंगे, वैसे आप वैक्सीनेशन आप करेंगे, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये आप हमेशा ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट क्यों करते हैं कि केंद्र भाई, राज्यों से पूछ लो, विपक्ष से पूछ लो, सरकार में कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सबसे पहले। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये हमारे भारत देश की असल तस्वीर है।
जहां एक व्यक्ति की फलों की रेड़ी और उसके फलों को नीचे गिरा दिया गया। उसके फल भी बर्बाद हो गए। उस व्यक्ति का गुनाह इतना था कि उसने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया था। अरे यार, तुम्हें जो करना है करो, पर किसी भी धर्म के गरीब के लेपेट पर लात मत मारो। हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति पर कितने घर वाले निर्भर होंगे, पर तुम्हें कहने का क्या फायदा, तुमने तो शर्म बीच खाई है भाई। और अंत में जो नया नया बाबा मुन्नी दास ने मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दी थी, वो बंदे को पकड़ने की बजाय उस ढोंगी बाबा को पुलिस वाले सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे डबल इंजन की सरकार में चीर हरण होंगे बाजार में। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।